हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में जो पहला मैच खेला जाएगा आईपीएल 2023 का, उसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में कि पिच रिपोर्ट कैसी है और पेसर को मदद मिल रही है कि स्पिनर को मदद मिल रही है, कौन से खिलाड़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, कौन से स्टेडियम में होगा, क्या रिकॉर्ड है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा और ये आईपीएल का पहला मुकाबला है जो कि 31 मार्च को खेला जाएगा, आज से 2-3 दिन बाद। इंडिया के टाइम के अनुसार 7:30 पे इसका टाइमिंग दिया गया है, लेकिन पहला मैच है तो ओपन सेरेमनी होगा जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, तो 8 से स्टार्ट होगा। अगर आप बात करें कौन से वेन्यू पे हो रहा है तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है, यहाँ पे ओपन सेरेमनी होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पिच रिपोर्ट की। तो जो पुराना पिच रिपोर्ट है वो कैसा है, तो यहाँ पे 160 NN ऑरेंज बनता है, किसी मैच में 200 बन जाता है, किसी मैच में 130 बन जाता है, किसी मैच में 180 बन जाता है, किसी मैच में 140 बन जाता है। तो NN ऑरेंज देखोगे तो 160 ये पिच बनता है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ पे पेसर जो होते हैं, फास्ट बॉलर जो होते हैं, उनको मदद मिल रही है, स्पिनर को यहाँ पे बहुत कम मदद मिल रही है, फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है। यहाँ पे अभी तक 18 मैच खेले गए हैं इस पिच पे, लास्ट 1.5 साल में 2 साल में 18 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 8 मैच जो पहले बैटिंग किया है वो जीता है। तो 8 मैच पहले बैटिंग किया जीता है और जो सेकंड बैटिंग की है वो 10 मैच जीती है। तो अगर आप देखोगे तो जो सेकंड बैटिंग करता है उसके जीतने के चांस ज्यादा हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो पहले बैटिंग करके ज्यादा रन मार देता है, जैसे 200 रन 250 रन मार देता है, तो जो सेकंड इनिंग है वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है, 60 रन पे 70 रन पे, तो इस तरह से कोलैप्स हो जाती है। और अगर पहले बैटिंग करके कम रन बनाती है तो जो सेकंड बैटिंग है वो बहुत जल्दी जीत जाती है, 15-17 ओवर में 2-3 विकेट खोकर ही। तो ये जो है पिच रिपोर्ट यही बोल रहा है कि जो पहले टॉस जीतेगा वो सेकंड बैटिंग करने का डिसाइड करेगा। देखते हैं पहले मैच में कौन टॉस जीतता है और पहले बैटिंग कौन करता है। अब जान लेते हैं कि इन दोनों में टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं गुजरात टाइटंस के प्लेइंग 11 के बारे में। तो मोस्टली मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 ये होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो वो टास्क के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां पे ज्वाइन कर ले। मैं वहां पे बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ क्रिकेट से, ड्रीम 11 की टीम भी देता हूँ फ्री में, आपको सजेस्ट करता हूँ कैप्टन, बेस्ट वाइस कैप्टन कौन सा है, पिच रिपोर्ट, क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है मैं आपको टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाएं। अब पॉइंट पे आते हैं, तो देखो ओपनिंग जो है मैथ्यू वेड और शुभम गिल करेंगे, ये दोनों ओपनिंग करेंगे गुजरात टाइटंस के। उसके बाद आएंगे केन विलियमसन जो बहुत बड़ा नाम है, तो 1 डाउन पे आएंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या क्योंकि कैप्टन भी है इस टीम के। उसके बाद अभिनव मनोहर के बारे में जो पिछला मैच देखे हो, पिछला सीजन देखे होंगे, बहुत ही हार्ड हिटर बंदा है, अच्छा हार्ड हिटिंग करता है, अच्छा बल्लेबाज है, तो ये खेलेगा। उसके बाद राहुल तेवतिया हैं, राहुल तेवतिया को आप देखे होंगे, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उसके साथ साथ बॉलिंग भी कराता है, तो राहुल तेवतिया। और राशिद खान है 7वें नंबर पे, राशिद खान को तो सभी जानते होंगे, अफगानिस्तान के स्पिनर है जो कि काफी अच्छी विकेट निकालते हैं। उसके बाद स्पिनर है साई किशोर, जो कि इनको रखा जाएगा अभी साई किशोर को। उसके बाद शिवम महावीर जो कि अच्छे बॉलर हैं, देखते हैं कितना काम आते हैं। उसके बाद मोहम्मद शमी और यश दयाल। मोस्टली ये प्लेइंग 11 होगी गुजरात टाइटंस की, 1-2 चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आफ्टर टॉस के बाद ये आपको बता दिया जाएगा कौन से प्लेयर हैं कौन से नहीं। अब देख लेते हैं इसमें से इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे है कैप्टन हार्दिक पांड्या, जो कि मोस्टली 4 ओवर बॉलिंग कराता है और बैटिंग भी 3rd-4th नंबर पे करता है, तो सबसे मस्ट पिक है कैप्टन, वाइस कैप्टन आप इसको रखें। उसके बाद
शुभम गिल जो है काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, आप भी इनका रिसेंटली फॉर्म में देखोगे तो हर मैच में 70-50 मार ही रहे हैं। मैथ्यू वेड जो है जब ओपनिंग करता है तो ये बंदा अलग फॉर्म में रहता है, अलग ही छक्के चौके मारता है, तो मैथ्यू वेड भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और केन विलियमसन, आप जानते हो केन विलियमसन जो है अगर आपकी जल्दी जल्दी विकेट गिर रही है तो ये आके पारी संभालते हैं, वैसे भी अगर बल्लेबाजी की अच्छी मिलेगी तो रन मारते हैं। तो ऊपर के जो चार बल्लेबाज हैं काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, आप चारों में से चारों को रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो मोस्टली प्रोबेबली मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 यही रहेगी, देखते हैं कुछ चेंजेस होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो डेवन कनवे जो है वो ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। मोस्टली ओपनिंग जो पेयर है इनका यही रहने वाला है, बीच में बहुत अफवाह उड़ी थी कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बेन स्टोक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है यही दोनों रहेंगे इनके ओपनर, क्योंकि इन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले सीजन में। उसके बाद मोइन अली आ सकते हैं क्योंकि पिछले सीजन में इनको वन डाउन भेजा जाता था, एक चेंजेस हो सकता है मोइन अली की जगह पे बेन स्टोक को भेज दिया जाए, तो ये अभी आपको आफ्टर टॉस या बाद में ही देखने को मिलेगा, पहले बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे मोइन अली वन डाउन आए या बेन स्टोक आए। उसके बाद आएंगे अंबाती रायडू, ये दोनों का फीस नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आएंगे जो कि एमएस धोनी हैं, और एमएस धोनी के बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद डी पिटोरियस जो कि अच्छी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का लेता है, दीपक चाहर काफी मेन बॉलर हैं चेन्नई सुपर किंग के, उसके बाद सिमरनजीत सिंह। तो सिमरनजीत सिंह जो है बॉलर रहेंगे, और लास्ट में जो है तुषार देशपांडे। देखो इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉलर था मुकेश चौधरी, क्योंकि पिछले सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है, डाउट है कि खेलेगा कि नहीं खेलेगा इंजरी की वजह से। अगर वो खेल रहा है तो यहाँ पे इन दोनों को किसी को दोनों को मिस कर देगा, शायद तुषार देशपांडे की जगह पे डायरेक्ट वो आ जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो यही मोस्टली प्रीबेली प्लेइंग 11 होने वाली है चेन्नई सुपर किंग की। अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, डी कनवे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बेन स्टोक काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर देखने को मिलेंगे क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराएंगे, और यहाँ से मोइन अली को भी आप ले सकते हो क्योंकि कभी कभी बॉलिंग और कराते ही है, बैटिंग तो उनको हार्ड हिटर रही है। उसके बाद यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट देखोगे तो रविंद्र जडेजा जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में आपको पॉइंट करके देगा चेन्नई सुपर किंग का काफी अच्छा। उसके बाद दीपक चहर जो है स्टार्टिंग के पावर प्ले में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आप इनको दीपक चहर को ले रहे हो तो वहां से चाहे आप मैथ्यू वेड या आप वहां से शुभमन गिल को, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दो क्योंकि उनका विकेट ये लेगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा रहेगा कि दीपक चहर विकेट लेगा तो स्टार्टिंग के उनके विकेट लेगा। तो ये इनके इम्पोर्टेंट प्लेयर है, डी कनवे एक, ऋतुराज गायकवाड़ दो, मोइन अली तीन, बेन स्टोक चार, रविंद्र जडेजा पांच और दीपक चहर छह। तो उधर से भी छह प्लेयर थे, इधर से भी छह प्लेयर थे, आपको उसी में से कंबाइन करना है कि किसी एक को हटाना है। बेस्ट वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो हार्दिक पांड्या जो है ये चार ओवर बॉलिंग करेंगे, बैटिंग भी इनको मिलेगा, तो हार्दिक पांड्या जो है इनको आप बैटिंग कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप इन दोनों में से वाइस कैप्टन का कोई एक रख सकते हो, जडेजा को कैप्टन या वाइस कैप्टन आप रख सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट में अगर आप इनको स्टार्टिंग में विकेट गिर गई तो हार्ड हिटर हैं, लास्ट में आके बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करते हैं, काफी मैच भी जिताए हैं, तो ये भी आपको वाइस कैप्टन के लिए, और वाइस कैप्टन के लिए दीपक चहर भी काफी अच्छे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में दो विकेट लेके दे दिए तो आपका काम हो गया। उधर से आप सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रख सकते हो, और उसके बाद वहां से आप उसको रख सकते हो विलियमसन को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए रख सकते हो। तो ये चार पांच ऑप्शन है, कैप्टन तो मेरा हार्दिक पांड्या ही रहेगा, वाइस कैप्टन मैं डिपेंड करूंगा किसको लेना है,